क्या पॉल हेमन और सोलो सिकोवा की जोड़ी रोमन रेंस के लिए भारी होने वाली है? दोस्तों, ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब पॉल हेमन रोमन रेंस से ज़्यादा सोलो सिकोवा के मैनेजर लग रहे हैं, क्योंकि स्मैकडाउन के हर एपिसोड में हम देख रहे हैं कि सोलो सिकोवा धीरे धीरे रोमन रेंस की जगह ले रहे हैं, और यानी कि वे अब हेड ऑफ द टेबल बनने की कगार पर है। ऐसे में निश्चित रूप से पॉल हेमन पोटेंशियली अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं सोलो सिकोवा में बजाय रोमन रेंस के, क्योंकि यहाँ पर WWE अब सोलो सिकोवा को रोमन रेंस की जगह दे सकती है और वे WWE और इस कंपनी के आने वाले वक्त के फ्यूचर हो सकते हैं। और इसी के चलते क्या रोमन रेंस के लिए ये खतरा बनने वाले हैं पॉल हेमन और सोलो सिकोवा की जोड़ी, और क्या पॉल हेमन रोमन रेंस को सोलो सिकोवा के लिए छोड़ देंगे? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर हमें आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर स्मैकडाउन के पिछले कई एपिसोड्स को अगर हम उठाकर देखें तो यहाँ पर हमें हर बार सोलो सिकोवा के साथ पॉल हेमन नजर आ रहे हैं, और जब भी रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन नजर आते हैं तो जरूर सोलो सिकोवा भी साथ में होते हैं। और इसी के चलते ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं कि पॉल हेमन अब सोलो सिकोवा के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि अब सोलो सिकोवा और रोमन रेंस एक साथ में हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि रोमन रेंस से पॉल हेमन अलग हो चुके हैं। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि कई बार सोलो सिकोवा की पैरवी पॉल हेमन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और स्मैकडाउन के पिछले एपिसोड को उठाकर देख लीजिए, यहाँ पर सोलो सिकोवा के साथ एक बार फिर से पॉल हेमन नजर आते हैं और पॉल हेमन का यहाँ पर शानदार एक प्रोमो कट देखने को मिलता है। यहाँ पर भी पॉल हेमन सोलो सिकोवा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि सोलो सिकोवा की वजह से जॉन सीना अब WWE में कभी भी नजर नहीं आने वाले हैं। अगर गलती से भी जॉन सीना कभी WWE में रिटर्न करते हैं तो उनका मुकाबला एक बार फिर से सोलो सिकोवा के साथ होगा और सोलो सिकोवा उन्हें फिर से मात देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में WWE में आने वाले वक्त में हमें पॉल हेमन सोलो सिकोवा को मैनेज करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले दी ब्लड लाइन में पॉल हेमन के साथ सोलो सिकोवा को रोमन रेंस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन अब धीरे धीरे पॉल हेमन का खिंचाव है वो सोलो सिकोवा की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है रोमन रेंस की बजाय, और इसी के चलते हम ये बात कर रहे थे कि आने वाले वक्त में पॉल हेमन और सोलो सिकोवा की जोड़ी रोमन रेंस के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर हेड ऑफ द टेबल के लिए सोलो सिकोवा हम पिछले कई समय से देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वे कभी भी बाहर से ऐसा प्रतीत होने नहीं देते हैं कि वे इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम उनके एक्शन को नोट करते हैं जब ऐसा लग रहा है कि वे हेड ऑफ द टेबल के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और जब भी ये बात रोमन रेंस और सोलो सिकोवा के सामने आएगी तब निश्चित रूप से पॉल हेमन को दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तब मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में पॉल हेमन सोलो सिकोवा को चुनेंगे, क्योंकि पॉल हेमन का ऐसा इतिहास रहा है कि जब जब उन्होंने किसी भी सुपरस्टार के साथ काम किया है तब दूसरे सुपरस्टार को धोखा देकर किसी दूसरे ही सुपरस्टार को चूज किया है। इसके उदाहरण हम देख सकते हैं CM Punk है, ब्रोक लेसनर, और अब इसके विक्टिम हो सकते हैं रोमन रेंस। और इसी के चलते सोलो सिकोवा और पॉल हेमन की जोड़ी हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आपकी क्या है ओपिनियन इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।